दोस्तों चलिए आज गाड़ी रिपेयर करना सीखते हैं। हमारे पास एक गाड़ी आई है, ये गाड़ी चार्जेबल है और रिमोट कंट्रोलर से चलती है। रिमोट कंट्रोल है इसका, ये इसका रिमोट कंट्रोल है दोस्तों, देख लीजिए ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। ये इसके बटन होते हैं, यहाँ से दबाने से ये गाड़ी यहाँ से चालू हो जाती है। दोस्तों चलिए इसको रिपेयर कर लेते हैं, अब फ़िलहाल बंद है, इसको रिपेयर करते हैं। चार्जेबल गाड़ी है ये दोस्तों, इसका चार्जर है, इसका चार्जर है, चार्जर इसका ठीक है, काम कर रहा है, चार्ज हो रहा है। बाकी आगे दिक्कत है इसके अंदर, ये ऑन नहीं हो रहा है, चल रही नहीं है गाड़ी। इसके बोर्ड में, बोर्ड से इसके चार्जर को हम देख लेंगे, इसका बोर्ड है लाइट का, ये इसके अंदर हमने चार्जर लगा दिया, चार्जर चालू हमारा, ये इसके अंदर हमने इसको लगा दिया, ये इसको हमने ऑन कर दिया। दोस्तों ये गाड़ी हमारी ऑन नहीं हो रही है, चार्ज नहीं हुई, तो इसको हम फाइनली इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसको रिपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों इसको खोल लेते हैं, यहाँ से पीछे लगे हुए इसके अंदर, इसको यहाँ से खोल लिया है हमने, पीच लग रहे हैं इसके अंदर, छः पीच हैं, छः को छः खोल लेते हैं, पूरे पीचों को खोल लेते हैं यहाँ से खोल लेते हैं। पीछों को खोल लेते हैं, लो जी दोस्तों पेच हमारे खुल चुके हैं, सारे पेचों को हमने खोल लिया है। अब इसमें हमने क्या देखना है, इसके हमारी जो मोटर वगैरह नहीं चल रही है, तो इसको हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे सेल इसके चार्ज हैं या नहीं है, मेरे सेलों को देख लेते हैं। मीटर को 10 की रेंज से कर लिया है, 10 की रेंज पर करने के बाद में अब इसके हम सेल चेक कर लेते हैं। देखिए सेल हमारे अभी कम चार्ज हैं, 3 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, इसको और चार्ज कर लेंगे बाकी 3 वोल्ट में चल जाती है गाड़ी। तो हम हटा लेते हैं मीटर को, इसका ऑन ऑफ स्विच है जो, इसके अंदर हम ऑयल डाल लेते हैं क्योंकि इसका जो ऑन ऑफ स्विच है थोड़ा टाइट चल रहा था, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, इसको हम साफ़ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में इसको हम स्लाइड को चला देंगे, इसके उससे पता चल जाएगा। स्विच में इसके मिट्टी वगैरह लगी हुई है, छोरी का डंडे ने सारा कर दूँ ना खराब करो बहुत ना, ऐसे सिर पड़ा तू। इसके अंदर रिमोट के अंदर सेल ख़राब था इसके, इसके अंदर हम सेल डाल लेते हैं, सेल इसके अंदर डाल लेते हैं, ये इसके हम सेल डाल लेंगे, फिर इसको हम देखते हैं गाड़ी हमारी चालू हुई या अभी नहीं हुई। ये देखिए दोस्तों गाड़ी हमारी, अब देखते हैं, देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों वो भी चालू, ये देखिए इसको, ये देखो ये लाइट जल गई, ये लाइट जल गई दोनों ब्रेक चल रही है, ये पीछे के लिए चल रही है। दोस्तों गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, इसके अंदर क्या दिक्कत थी, ऑन ऑफ स्विच के अंदर मिट्टी गई हुई थी, उसकी वजह से ऑन नहीं हो रही थी, अब ये ऑन हो चुकी है।
तो दोस्तों इसको हम फिट कर लेते हैं, गाड़ी होगी हमारी ओके। इसके अंदर क्या था, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है इसके अंदर मिट्टी गई हुई थी, उसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा था। अब इसमें मैंने थोड़ा साफ़ किया है, साफ़ करने के बाद इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने से गाड़ी चालू हो गई, वर्किंग कंडीशन आ गई इसकी। तो इसको यहाँ से पैक कर लेता हूँ मैं। पेचों को अच्छी तरह से पैकिंग करें, यहाँ से इसको पीछे के इसको जैसे हमने खोला था जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको बंद कर लेंगे। गाड़ी हमारी फाइनली कस चुकी है। चलिए दोस्तों इसको एक बार यहाँ से बटन को ऑन कर लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं चला करके। ये देखिए दोस्तों, ये खिड़कियाँ खुल गई हैं गाड़ी की, देखो दोनों खिड़कियाँ खुल चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये बंद हो गई, ये देखिए दोस्तों खुल चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अभी चार्जिंग में लगा होगा दोस्तों। ये देखिए गाड़ी लाइट चालू हुई, ये देखिए रिमोट की सहायता, सॉरी गाड़ी चालू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, को हम चला के देखते हैं। नहीं चल रही,